उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज एक ओर जहां पुलिस बेहतर कानून व्यवस्था का दम भरती है, तो वहीं आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से लापता नाबालिग लड़की का सुराग लगाने में मेरठ पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद आज पुलिस कार्रवाई से सब परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे और हंगामा करते हुए ब्रह्मपुरी थाना इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां पर अपने घर के बाहर खेलने गई 12 वर्षीय नाबालिग युवती 10 दिनों से लापता हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने इसे पूरे मामले को मेरठ थाना पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज एसएसपी ब्रह्मपुरी थाना को अपने ऑफिस में बुलाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। देखिए, ब्रह्मपुरी का मैटर है। एक लड़की 14 तारीख से जो है गायब है और थाना ब्रह्मपुरी पर उसका मुकदमा पंजीकृत है। उनके परिजन आए थे और उनका ये कहना था कि जो है इसमें पुलिस जो है हमारे इसकी खोजने में जो है अपहर्ता की मदद करे और प्रभावी कार्रवाई करे। तो इस संबंध में जो है ये पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे और SHO प्रताप ब्रह्मपुरी भी आए। उनको सख्त हिदायत दी गई है और CO ब्रह्मपुरी को भी बताया गया है कि टीम बना करके जल्दी जल्दी जो अपहर्ता है उसकी बरामदगी करें और पीड़ित की मदद करें। सर, जो परिजन थे उनका आरोप है जो थानेदार है वहाँ के, बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक उनके जो लड़की के पिता हैं उनको ले करके ही कम से कम 15 से 20 लोगों को थाना प्रभारी द्वारा ले आया गया है और क्या नाम उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और साथ ही जो है इसकी जो विधिक प्रक्रिया होती है, तलाश गश्ती वगैरह सारी सब हो चुकी है और इनको CO ब्रह्मपुरी को, SP सिटी सर को जो है और ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर को कप्तान साहब द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी बरामदगी सुनिश्चित करें।